वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा, मेरे साथ अक्षय है। अक्षय कहाँ से हो तुम? पटना। और मेरे पास क्यों आए हो और कैसे पहुंचे वो भी बताओ व्यूअर्स को। हमारे पास एक यूट्यूब चैनल है जो कि ना के बराबर लोग देखते हैं। लोगों को हमें पुश करना है ताकि ऐसी चीजें समझा सकें कि आप किस लिए आ रहे हो और उसका क्या फायदा है। बताओ। मुझे मेरे कमर और हिप जॉइंट में डिस्कम्फर्ट आ रही थी और मैं काफी टाइम से फिटनेस और जिम में इन्वॉल्व हूँ, और इससे पहले मैं कई ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जा चुका था, बट मुझे ज्यादा बिलीव था कि प्रायर प्रैक्टिशनर थेरेपी और प्रायर प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस से मेरे इश्यूज को ज्यादा बेहतर तरीके से ठीक किया जा सकता है। सर के पास मैं यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस को देखने के बाद, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट और भी लोगों के बारे में जानने के बाद, मुझे सर के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले और काफ़ी अच्छे इनके रिगार्डिंग जो वीडियोस हैं और काफ़ी फ्रेंडली इनका नेचर लगा वीडियो में मुझे, तो मैंने मुझे अच्छा लगा और मैं चाहा कि मैं सर से कंसल्ट करूँ और मैं यहाँ। सो व्यूअर्स, इसने हमें फ़ोन किया और इसने बहुत बताया, इसके फादर इसको बता रहे हैं कि ये एम्स जाए दिखाने के लिए, और ये जानता था क्योंकि ऑर्थोपेडिक के पास जा चुका था और इसने चूज किया कि हमारे पास आए। फिर इसके लिए फाइनेंस भी कंस्ट्रेंट था, है ना? स्टूडेंट है, अकेले रहता है यहाँ पे। जी सर। है ना, तो हमने इसको बोला मैं कि तू आ जा और डोंट वरी, जो तुझे पे करना हो वो पे कर देना है। जी। वो इसलिए क्योंकि इसका डेडिकेशन देख के फोन पे कि ये आना चाहता है, तो मुझसे भी रहा नहीं किया कि मैं इसको बोलूं कि वॉट एवर इट इज कि आई एम गोइंग टू हेल्प यू, ये है। और जैसे इसने बताया कि इसको डिस्कम्फर्ट रहता है, डिस्कम्फर्ट इसकी बैठने की वजह से भी हो सकता है, आजकल की लाइफ स्टाइल की वजह से भी हो सकता है, और कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो आजकल? नहीं कर रहे? जी सर, कंटिन्यू कर रहे हो। कितनी बार जाते हो दिन में? सर वीकली 6 times। 6 times ना, एक ही बार ना? जी सर। मुझे लगा 2 बार तो नहीं जाएंगे। नहीं सर, एक्स्ट्रा। अच्छा, तो एडजस्टमेंट कर सर, तक वीडियो देखी है, तक कराया नहीं? नहीं सर, किसी का देखा नहीं। तो एक्सपीरियंस का बस एक्सपीरियंस। अच्छा, कराया था। तो कपिंग के बाद कैसा फील हुआ? कपिंग के बाद बॉडी पहले से टेंशन में, मसल्स के टेंशन कम थे मेरे बॉडी में, और उसके में रिलैक्सेशन फील हुआ था, बट जो डिस्कम्फर्ट था मेरे बॉडी में उसके रिगार्डिंग कोई भी चेंजेस नहीं आए। अच्छा, जो आपको मस्कुलर प्रॉब्लम में आपको हेल्प किया था, बट जो आपको जॉइंट से डिस्कम्फर्ट रहता था उसमें हेल्प नहीं किया। ठीक है, तो व्यूअर्स हम जल्दी से इसका एडजस्टमेंट दिखाते हैं, फिर इससे दोबारा पूछेंगे कैसा फील हो रहा है और कैसा महसूस कर रहा है। देखेंगे स्टमक पर। तो जब मैं इसको फील कर रहा हूँ, मुझे इम्बैलेंस साफ साफ नजर आ रहा है। ये लेफ्ट साइड में इसकी मसल ज्यादा प्रोमिनेंट, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है राइट साइड के कंपैरिजन में, और अगर मैं इसकी शर्ट ऊपर करके देखना चाहूँ तो मुझे फील भी हो रहा है रिलैक्स को कि इम्बैलेंस तो है। और अगर मैं इसकी बैक में भी देखूँ, ये चीज हल्की सी इधर उठना चालू हुई है, ये अगेन मुझे इसके पाँव की तरफ लेके जा रही है कि पाँव में दिक्कत है। ये पैलवेस के आसपास की जो मसल्स हैं, जो ये मसल्स होती हैं उस पर ज्यादा लोड पड़ रहा है, और ये यूजली पाँव की वजह से ही पड़ता है, दोनों पाँव। और अगर कैमरा कैप्चर कर सकता है तो नरेंद्र आके दिखा दो पास में धीरे धीरे। ठीक है, साफ साफ नजर आ रहा है, मैं इसका फुल असेसमेंट आज नहीं करूंगा। ये इसका राइट पाँव है, ज्यादा वेट ले रहा है शेप, ये देख सकते हो। ये लेफ्ट हील भी पतली लग रही है, राइट हील ज्यादा मोटी है। ये देखो, यहाँ से बाउंड्रीज बाहर की तरफ जा रही है, यहाँ से भी हल्की हल्की जाना चालू हो रही है, और शेप में डिफरेंस आपको कैमरे में अलग से नजर आ जाएगा। और इसके ये हाई आर्च है, तो आप इसके पाँव भी देखेंगे, थोड़े गंदे जरूर है। ठीक है, बारिश हो गई है बाहर और आज है थर्सडे, तो देखिए ये राइट साइड पे इसका कितना ज्यादा प्रोमिनेंट है, ज्यादा उठा हुआ है। वेट डालने की वजह से स्किन भी यहाँ पे इतनी मोटी हो गई है, इस तरफ नहीं है। अगर आप डिफरेंस दोनों को देखना चाहें
यही मैं इसके फोटो सेशन में दिखा था, ये सिंपल साफ सा शेप और साइज का डिफरेंस नजर आ रहा है। ये पाँव ये भी दिखाते हैं कि ये लेफ्ट की तरफ कम वेट डालता है, राइट की तरफ ज्यादा डालता है। अब इसमें क्या होता है, ये ज्यादा अपनी कमर के साइड से काम करते हैं। ऐसी मैं ये कुछ भी कर ले, कितनी भी दवाइयां कर ले, अल्टीमेटली इसको हाई आर्च को सपोर्ट करने के लिए इंसोल पे स्पेंड करना पड़ेगा। इंसोल पे स्पेंड नहीं करेगा तो ये बार बार मेरे पास आएगा और अगले 6 महीने या 1 साल बाद आएगा, तब तक ये इसका और साइज और मोटा हो चुका होगा। क्या इसको एडजस्टमेंट से हेल्प मिलेगी? बहुत हेल्प मिलेगी। ये वापस अपने नॉर्मल रेंज में जा सकता है, नॉर्मली खड़ा हो सकता है, लेकिन इस वक्त ये काफी दिक्कत में है। क्या इसको जिम में प्रॉब्लम होगी? नहीं, इसको जिम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी जब ये कोई भागने दौड़ने की एक्टिविटी करेगा या स्प्रिंट्स करेगा, अदरवाइज इसको कोई दिक्कत फ्यूचर में नहीं होनी चाहिए। बट ये सारे साइंस नजर आए। अक्षय कुछ खेलते कूदते भी थे स्कूल टाइम में? नहीं सर, कुछ स्पेशल नहीं। स्पेशल नहीं, और सारी दिक्कतें इसी के आसपास है ज्यादातर? सर गर्दन में भी है। गर्दन में तो होगी, बट हमें यहाँ पे चेंजेस नजर आ रहे हैं सारी चीजें, और क्योंकि आप अभी देख नहीं पा रहे, जो आप वीडियो देखोगे तो क्लियरली समझ आ जाएगा, हम आपको दिखा देंगे। सर मैंने पिक्चर अपना बैक पर कैप्चर किया, उसमें मैंने देखा कि मेरे पैंट का मेरा पैंट स्लोपी रहता है। तो स्लोपी है ना, इस तरफ लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड नीचे रहता है और ये उठा रहता है। इसका मतलब यह है कि आप लेफ्ट साइड ज्यादा वेट डालते हो, टिल्ट रहता है ना, वो पाँव में नजर आ रहा है। टिल्ट क्यों रहता है? क्योंकि आप हाई आर्च हो। अब मैं एडजस्टमेंट करता हूँ, नहीं बस आप समझ ही गए होंगे। इजी विदाउट, इजी नाइस, चल करेंगे। व्यूअर्स थोड़ी ज्यादा वीडियोस देखा करो, शेयर किया करो, लाइक किया करो, ताकि हम भी थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सके। बहुत इन्वेस्ट कर चुके हैं। रिलैक्स, ब्रीथ आउट करेंगे। इजी नाइस, उस तरफ बैक, रिलैक्स, ब्रीथ आउट करेंगे। वेरी गुड, सीधा स्ट्रेट लेके ऊपर जाओ। अब इसकी टेक्निक देखो, कितने अलग से शेप नजर आ रही है। ये भी निशानी है, पाँव की शेप भी देखो। इस तरफ का कम काला है, इस तरफ का ज्यादा काला है। जहां ज्यादा वेट पड़ेगा वहां ऐसी चीज है फोन की। और हाई आर्च अल्टीमेटली ये अंगूठा टेढ़ा होने लग गया है, धीरे धीरे ये भी हल्का सा होने लग गया है, हो जाएगा। डिफरेंस आप यहाँ से भी देख सकते हो, पीछे से भी देख सकते हो। पाँव मिला लो, अरे ये पाँव ज्यादा चौड़ा हो गया, दिख रहा है? ओके ओके, इजी रिलैक्स। शोल्डर में और एल्बो में ये दिक्कत है, फील होती है। तो थोड़ा सा वॉक करके देखना चाहो, देख लो कैसा लग रहा है। पहले से टेंशन था बॉडी, है ना, लाइटर लग रहा है। आज नींद भी अच्छी आएगी और आगे भी इम्प्रूव हो रही है, बेटर। अब व्यूअर्स को बताओ अपना घर की फीलिंग। मेरी तरफ बिना देखे हुए जैसा तुम्हें लगा, जैसा सही मैं जैसे बताना चाहते हो। जॉइंट्स के नियर बाय जो मेरे टेंशन फील होता था और जो डिस्कम्फर्ट रहता था, उसमें मुझे अभी चलने के दौरान मुझे कम डिस्कम्फर्ट फील हुआ पहले के मुकाबले। और बस इतने ठीक। सो व्यूअर्स, ये इसकी स्टोरी थी अक्षय की। अक्षय जो कि बिहार से है, पटना से है और बैठे आराम से, तो ये दिल्ली में आया है। तो मैं इसको बोलूंगा कोई भी दिक्कत हो, वी आर देयर टू हेल्प यू, सपोर्ट यू। और बिहार पटना कोई छोटी जगह नहीं है, जो तू बोल रहा था
ठीक है, बिहार पटना भी बड़ा ही है और दिल्ली और बिहार में बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा। बट एक चीज तू भी फील कर रहा है, कैमरे में शायद इतना से फील नहीं होगा, बट ये देखो ये शोल्डर इस तरफ का, इस तरफ का ये उठा हुआ शोल्डर दिख रहा है, फील हो रहा है ये शोल्डर उठा हुआ है, ये शोल्डर झुका हुआ है, यहाँ तक ये इम्बेलेंस हो चुका है। और जो मैं बता रहा था वो मेरी चैनल पर जाके देखना, हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है पाओं के सस्पेंड के बारे में, पाओं के कनेक्शन के बारे में, जिसमें इनसोल का हम यूज करते हैं, उसी से ये बैलेंस होगा, क्योंकि पाओं एक लेवल पे नहीं पड़ता, एक पाओं दूसरे पे पड़ता है, जैसे आपने भी फील किया है, उसी को ठीक करना, तो ठीक हम पाओं से ही करेंगे, आप हाई या अच्छो हैं। और जब भी नेक्स्ट टाइम आओगे हम आपका असेसमेंट भी करके दिखा देंगे, वो बता देंगे इनसोल कैसे 10-15 मिनट में रेडी हो जाती है। सो थैंक यू व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अक्षय की स्टोरी ठीक लगी और हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, हम आपके सवालों का सारा जवाब इंस्टाग्राम पे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्टिव प्लस।